हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास नाइन स्टूडेंट्स और आज हम फिजिक्स का लेक्चर टू करने वाले हैं ओके सो दिस इज योर लेक्चर टू ऑन फिजिक्स और लेक्चर वन बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था लास्ट मंडे और मैंने आपको बोला था कि हर मंडे आपको एक फिजिक्स का न्यू लेक्चर मिलेगा

ठीक है सेवेंथ एथ और सिक्सथ में भी हल्की सी बात की गई थी स्पीड की बट अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब नाइन्थ ग्रेड आ गई है अब हम स्पीड के साथ साथ फिर वेलोसिटी भी पढ़ेंगे तो आई थिंक आईपीएल सीजन भी चल रहा है क्रिकेट सब देखते हैं क्रिकेट के बारे में बेसिक नॉलेज सबको होती है कि आपके हिसाब से फास्ट बॉलर्स और मीडियम पेस बॉलर्स के बीच में क्या डिफरेंस है सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फास्ट बॉलर्स एंड मीडियम पेस बॉलर्स क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आपको पता है फास्ट बॉलर क्या करता है जब वो बॉल फेंकता है तो बॉलर के हाथ से बैट्समैन तक जो बॉल पहुंचने का टाइम है वो कम होता है एज कंपेयर टू वेन अ मीडियम पेस बॉलर थ्रोज द बॉल ठीक है मतलब सेम डिस्टेंस वो सेम पिच का डिस्टेंस जो फास्ट बॉलर की बॉल है वो जल्दी कवर करती है एज कंपेयर टू मीडियम पेज बॉलर तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है बच्चों जो ये मेजर करेगी कि जो डिस्टेंस ठीक है जो आपका डिस्टेंस है वो कितने कम टाइम में कवर किया जा रहा है उसके लिए आपकी क्वांटिटी होती है स्पीड अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, तो आपको पता है आप ट्रेन से ट्रैवल करो और बाय फ्लाइट ट्रैवल करो अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है, जहां पे 12 घंटे ट्रेन में लगते हैं वहीं आप टू आवर्स में फ्लाइट में पहुंच जाते हो बिकॉज वही सेम डिस्टेंस बच्चों plane, जो प्लेन जो एरोप्लेन है प्लेन है वो कम टाइम में कवर कर रहा है एज कंपेयर टू द ट्रेन तो इसी के बेसिस पे अब आपकी फिजिक्स की एक नई क्वांटिटी आती है दैट इज योर स्पीड ठीक है बट स्पीड आपने पढ़ रखी है तो काफ़ी लोगों को पता होगा बट ये एक ऐसा वर्ड है जो हम डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी यूज करते हैं ठीक है डे टू डे लाइफ में नॉर्मल मैन भी बहुत ही यूज़ करता है बट अब हमें इसको फिजिक्स की टर्म्स में पढ़ना है तो बेसिकली स्पीड क्या है देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड कितना डिस्टेंस यूनिट टाइम में कवर किया मतलब कितना डिस्टेंस वन सेकेंड में कवर किया दैट इज योर स्पीड सो मैथमेटिकली स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम और एक और चीज़ याद रखना स्पीड को वी से डिनोट करते हैं यहाँ कन्फ्यूजन होती है स्पीड और वेलोसिटी दोनों को वी से डिनोट किया जाता है डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है ठीक है स्पीड को वी से और डिस्टेंस को एस से तो ये जरूर याद रखना क्योंकि मोशन चैप्टर में आगे ऑफ मोशन पढ़ोगे तो पहले से आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए सो वी इज इक्वल टू एस बाय टी आगे बात करते हैं क्या है ऐसा यूनिट स्पीड का तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड तो आप फॉर्मुले की हेल्प से ही इसका ऐसा यूनिट बना सकते हो दैट इज मीटर पर सेकेंड अगली बात करते हैं कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि मैंने लेक्चर वन में बताया था कि जो स्पीड है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ठीक है मतलब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड uh, पे डिपेंड करती है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता स्पीड सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है इसीलिए जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है अब यूनिट कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जो न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पता है न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स जीरो फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स तो न्यूमेरिकल्स में आपको जनरली स्पीड अगर आप देखोगे कंफ्यूज करने के लिए किलोमीटर पर में दे दी जाती है बट आपको पता है आपको हर चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आर को कैसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो जल्दी से सीखते हैं फॉर्मुला और एक शॉर्टकट आज आपको सिखाता हूं कि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है तो देखो सपोज दिस इज किलोमीटर पर आर अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पहले आप किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड तो थाउजेंड तो था। से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर बन गया अब अगर आपको आर्स को कन्वर्ट करना है सेकंड में तो पहले आर को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड आ गया तो ये फॉर्मूला बन गया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का चलो अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो दो यहाँ पे आपके कट डाउन हो गए और अगर हम इसको कट करें टू थ्री सिक्स टू फाइव टेन सो ये आ गया फाइव बाई एटीन तो यहां से हमें एक शॉर्टकट मिल गया कि हमें बार बार हमें बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है हम सिर्फ शॉर्टकट फॉलो करेंगे जब भी स्पीड आपकी किलोमीटर पर आर में दी होगी उसको फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी फॉर एग्जांपल लिखा है हंड्रेड किलोमीटर पर आर अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे 100 को 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 हंड्रेड बाई एटीन मीटर पर सेकेंड आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में बट मैंने आपको सिखा दिया मेनली कि कैसे करना है कन्वर्ट अब बात करते हैं एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्यों ज़रूरी है क्योंकि स्पीड हमेशा सेम नहीं रहती ना जैसे अगर हम कार में भी जा रहे होते हैं कभी हमारी स्पीड सपोज 60 किलोमीटर पर आ रहा है फिर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं स्पीड 80 किलोमीटर पर आर होगी फिर ट्रैफिक आ गया तो 20 किलोमीटर पर आ रही तो हर डिस्टेंस पे हम अलग अलग टाइम ले रहे हैं कवर करने का मतलब स्पीड हमारी चेंज होती रहती है बट अगर मैं एक टोटल स्पीड की बात करूँ तो उसके लिए हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं कि पूरे मोशन में हमेशा स्पीड देखो सेम नहीं होती स्पीड चेंज होती रहती है बट अगर मैं ये बात करने के भाई पूरे मोशन के लिए एक ही स्पीड बताओ तो वहां पर एवरेज आते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल की आपकी क्लास के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए किसी का हंड्रेड आए किसी का नाइन्टी टू आएँ किसी से सिक्सटी फाइव आए अब दो सेक्शंस को कंपेयर करना है कि भाई सेक्शन ए में अच्छा ज़्यादा रिजल्ट आया सेक्शन बी में तो सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स निकालेंगे वैसे सेक्शन बी के एवरेज मार्क्स निकालेंगे या मीन निकालेंगे जिसको हम कहते हैं जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे मैथ्स में चैप्टर फोर्टीन में तो वही आपका एवरेज होता है कि आपको टोटल मोशन की स्पीड पता चल जाती है दैट इज़ योर एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं इट इज़ डिफाइंड एज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कि सपोज हम मान लेते हैं कि बॉडी ने एस वन डिस्टेंस कवर किया पहले टी वन टाइम में उसके बाद एस टू डिस्टेंस कवर किया टी टू टाइम में फिर S3 डिस्टेंस कवर किया T3 टाइम में और S4 डिस्टेंस कवर किया T4 टाइम में तो अगर हम देखेंगे हर जगह स्पीड डिफरेंट है यहां पे स्पीड बात करें तो S1 वन अपॉइंट टी होगी यहां पे स्पीड बात करें तो S2 टू अपॉइंट टी होगी यहां पे स्पीड बात करें तो S3 थ्री अपॉइंट टी होगी और इस केस में स्पीड होगी S4 फोर अपॉइन टी तो अब हर जगह स्पीड बच्चों क्या है डिफरेंट है तो इसलिए अब हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का वी ए वी जी। ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर हम देखें एस वन एस टू एस थ्री एस फोर सबको कर देते हैं प्लस एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर और डिवाइड कर देते हैं इसको टोटल टाइम से टोटल टाइम कितना है टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी वन टी टू T3 थ्री एंड टी तो यहां से हमारी एवरेज स्पीड आ गई अब आगे बात करते हैं स्पीडोमीटर ये भी एनसीआरटी में गिवन है कि स्पीडोमीटर क्या करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करता है मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है वो स्पीडोमीटर होता है और ये वाला स्पीडोमीटर आप सब ने अपनी कार्स में देखा होगा बाइक्स में देखा होगा या किसी भी ऑटोमोबाइल में आपका ये स्पीडोमीटर लगा होता है कि अगर हम बोलेंगे भाई इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे स्पीड देखनी है तो देखो उसकी नीडल का है सपोज नीडल यहाँ है तो हमें पता चल जाएगा सिक्सटी के आसपास स्पीड है ठीक है और एक और डिवाइस होता है वो है ओडोमीटर ओडोमीटर बताता है कि अभी तक हमारी टोटल ऑटोमोबाइल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है तो ये देखो ये जो आपकी रीडिंग यहाँ दिख रही है स्पीडोमीटर के ही बीच में आजकल एक और डिवाइस वहीं पे इंस्टॉल किया जाता है जिसको ओडोमीटर कहते हैं ओडोमीटर बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल जब गाड़ी बिल्कुल नहीं होती है जब उसको बिल्कुल नहीं चलाया जाता तो ओडोमीटर पे रीडिंग होती है जीरो किलोमीटर तो जब आप नई गाड़ी खरीदते हो तो वो ऑलमोस्ट जीरो वन किलोमीटर के बीच में होती है क्योंकि ज्यादा ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट ड्राइव हुई हो होती है उसके अलावा उस गाड़ी को किसी ने यूज़ नहीं किया होता जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते रहते हो जितना जितना डिस्टेंस आप कवर करते रहोगे वो यहाँ पे दिखता रहेगा जैसे कि ये जो कार है देखो इसमें वन ठीक है वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन सिक्सटी नाइन किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर कर लिया मतलब ये गाड़ी बहुत पुरानी है जिसको ऑडोमीटर है काफ़ी पुरानी गाड़ी है आपको यहाँ से दिख रही है तो स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर टाइम पे, पे स्पीड बताता है और ऑडोमीटर हमें बताता है कि आज तक ऑटोमोबिल ने कितना डिस्टेंस कवर किया ओके अब बात करते हैं वेलोसिटी की जैसे स्पीड है वैसे ही वेलोसिटी है बट अब डिफरेंस क्या है बच्चों स्पीड क्या है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम अब यहां पे क्या है वेलोसिटी क्या है डिस्टेंस कवर्ड सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम ठीक है पर यूनिट टाइम को हम रेट भी बोल देते हैं तो इसलिए इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आपकी और कितने टाइम में हुई सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड योर वेलोसिटी जिसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले है सीरीज की ठीक है आपके फिजिक्स टू 22 सेशन की उसमें लेक्चर वन ऑलरेडी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ठीक है और हम वेलोसिटी को कहते हैं स्पीड विद डायरेक्शन वाई स्पीड विद डायरेक्शन क्योंकि बेसिकली क्या है क्वाटिटी है है velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है velocity आपकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करती है स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है तो इसका मतलब स्पीड depends upon ओनली मैग्नीट्यूड ठीक है और वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे भी डायरेक्शन पे भी तो अगर स्पीड में हम डायरेक्शन जोड़ दें मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन जोड़ दें तो आपकी क्या बन गई वेलोसिटी तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के दो तरीके हैं या तो बोल दो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या हम बोल सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड विलॉसिटी जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात करते हैं मैग्नीट्यूड टूट के साथ साथ फिर हम उसको स्पीड नहीं बोलेंगे हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसको हम विलॉसिटी बोलेंगे क्योंकि अब हम डिस्टेंस की बात नहीं करें अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें और इसके भी ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं मीटर पर सेकेंड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर टाइम का सेकेंड अब हमने हाँ जैसे बात करी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और रीजन मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड अब एवरेज वेलोसिटी जैसे हमने बात करी थी आपकी टोटल सॉरी एवरेज स्पीड की वैसे एवरेज वेलोसिटी भी होती है तो एक तो एवरेज वेलोसिटी का नॉर्मल सा फॉर्मूला आ गया कि जितनी टोटल डिस्टेंस हुआ जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट एम रियली सॉरी इट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टोटल टाइम जैसे uh, आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था वैसे एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मला है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम दैट इज एवरेज वेलोसिटी बट अब एक और तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि एक बॉडी है वो यू विलासिटी से मूव कर रही है तो जो मोशन की स्टार्टिंग में वेलोसिटी होती है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं याद रखना स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है अब आपके क्वेश्चन में कर, कर, आपके जो केस है उसमें ये लिखा है कि एक बॉडी है ठीक है वो इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रही है और ये बोला कि कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और अब वो वी हो जाती है तो सपोज अगर हमें मोशन की स्टडी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में करनी है तो जो मोशन की स्टार्टिंग में वेलोसिटी होती है वो यू होती है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, और जो मोशन के एंड में मतलब जहाँ तक हम उस मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी और इसको हम वी से डिनोट करते हैं यस yes, वी से आप स्पीड को भी डिनोट करते हो फाइनल वेलोसिटी को भी करते हो दोनों को करते हो तो डोंट कैन कंफ्यूज ठीक है चिंता मत करो दोनों से डिनोट कर सकते हैं अब अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है फाइनल वेलोसिटी v है और इस केस के लिए बोला एवरेज वेलोसिटी निकालो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे u प्लस वी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट एनसीआरटी में इतना ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है स्पीड और विलोसिटी का अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें एनसीआर टी की क्वेश्चन भी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अब आप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अब देखो सबसे पहले अब हम गिवन लिखेंगे तो यहाँ पे गिवन हेडिंग डाल देते हैं कि जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स सिक्सटीन मीटर इन फोर सेकेंड्स तो पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया एस वन सिक्सटीन मीटर और कितने टाइम में किया t1 4 सेकंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स फिर दूसरा डिस्टेंस भी s2 कितना कवर किया 16 मीटर और अब उसने कितना टाइम लिया 2 सेकंड्स तो हमेशा पहले गिवन लिखो न्यूमेरिकल जब भी करो पहले गिवन लिखो अब पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस s1 s2 अपॉन टोटल टाइम t1 t2 एस वन प्लस एस टू सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन और फोर प्लस टू तो ये हो गया थर्टी टू बाय सिक्स मतलब फाइव पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर सेकेंड तो एवरेज स्पीड आ गई आपकी फाइव पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर सेकेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ़ ऑफ़ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ट्रिप तो गिवन जो जो चीजें हमें समझ आ रही हैं हम लिख देते हैं कि ट्रिप के स्टार्ट पे मतलब जब हमने गाड़ी चलाना शुरू करी जब हमने गाड़ी ली गाड़ी चलाना शुरू करी तो ओडोमीटर पे हमने देखा कितनी रीडिंग थी टू किलोमीटर ठीक है एंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप जब हमारी ट्रिप खत्म हो गई तो एंड में हमने फिर रीडिंग चेक करी ऑडोमीटर की और वो थी ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ पर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड दैट इज फोर हंड्रेड किलोमीटर्स क्योंकि 2000 किलोमीटर वो पहले से चल चुकी थी गाड़ी फिर जब हमने ट्रिप एड करी तो अब वो 2400 किलोमीटर चल पड़ी थी। तो हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उस गाड़ी में। इस पर आर और मीटर पर, पर सेकेंड दोनों में तो पहले पर आर में निकाल लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस और टाइम आपको किलोमीटर पर और, और आर में दिया हुआ है तो स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम सो कितना आ गया 400 हंड्रेड अपॉन एट तो कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आर तो देखो ये ऐसा यूनिट तो नहीं है स्पीड का बट अगर हमें क्वेश्चन में लिखा है कि 50 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आर में निकालनी है तो हमने निकाल दी 50 किलोमीटर पर आर अब मीटर पर सेकेंड में भी बोला निकालने के लिए तो आप सबको शॉर्टकट पता है व्हाट इज द शॉर्टकट कि जो 50 किलोमीटर पर आ रहा था इसको 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो अब ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में सो दिस इज अ 250/18 मीटर पर सेकेंड आप इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो 125/9 मीटर पर सेकेंड ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल शी कवर्स 180 मीटर इन वन मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पहले समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या है तो आप एक डायग्राम बना सकते हो कि सपोज ये स्विमिंग पूल है ठीक है और ये नाइन्टी मीटर्स लॉन्ग है नाइन्टी मीटर्स लॉन्ग स्विमिंग पूल है और ऊषा क्या करती है वो स्विम करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सपोज ठीक है बी और फिर पॉइंट बी से ए पर वापस आती है ठीक है तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करिए है 180 मीटर तो लिखेंगे हम गिवन में डिस्टेंस कितना कवर किया 180 मीटर तो मीटर्स में यह हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है और उसको कितना टाइम लगा इसको कवर करने में वन मिनट ठीक है तो टाइम कितना हो गया वन मिनट बट अब टाइम आपका मिनट्स में दिया है तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं सिक्सटी सेकेंड आपको निकालनी so है एवरेज स्पीड तो निकालते हैं एवरेज स्पीड क्या टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया नाइन्टी जाने का नाइन्टी वापस आने का हमने लिखा हुआ ऑलरेडी गिवन में वन और कितना टाइम लगा उसको टोटल सिक्सटी सेकेंड सो वन एटी इज थ्री मीटर पर सेकेंड तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई थ्री मीटर पर सेकेंड अब सेम क्वेश्चन है और एवरेज वेलोसिटी बोली गई है अब एक चीज बताओ एवरेज वेलोसिटी हमने बोला एक तो यू प्लस वी बाई टू होती है बट यहां पे हमें कोई इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी फाइनल नहीं दी हुई है यहां पे हमें सिंपली बोला गया है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बट अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें डिस्टेंस नहीं है हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अगर बॉडी जिस पॉइंट पे शुरू करती है चलना उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है

तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई जीरो तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गई तो भाई एवरेज एवरेजिटी भी आपकी क्या हो जाएगी जीरो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है तो एवरेज एवरेजी भी हो जाएगी जीरो सो गाइज वॉज ऑल अबाउट सेशन और अब हम नेक्स्ट मंडे को करेंगे इस, इसका लेक्चर नंबर थ्री और कल ट्यूजडे को करेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन ऑन इंग्लिश तो याद रखना मंडे को फिजिक्स और ट्यूजडे को इंग्लिश और गाइज अगर आप एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू मुझसे पढ़ना चाहते हो सो आई एम एन अकेडमी प्लस एजुकेटर एजुकेटेडमी प्लस पर भी मेरा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है इज अ बैच गोइंग ऑन पावर पैक बैच जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मंडे वेनेसडे फ्राइडे सेवन थर्टी टू एट थर्टी पी मेरी क्लासेस होती है तो अगर आप एक प्रॉपर कोर्स में कोचिंग की तरह इनरोल करके प्रॉपर एक तरीके से मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर आपको मेरी फिजिक्स पसंद आई तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो तो बैच में एनरोल करने का मतलब है आप अन अकेडमी प्लस पे एनरोल कर रहे हो तो अगर आप प्लस पे बच्चों एनरोल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरा ही बैच अटेंड कर सकते हो मेरी ही क्लासेज अटेंड कर सकते हो अगर आप एक बार प्लस पर आ गए तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो ऐसी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में यू कैन लर्न फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम ठीक है आपको सारे कोर्सेज के लिए अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे प्रॉपर सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा एक मेंटरशिप मिलेगी पी नोट्स एक एक नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ सारे एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे बैच कोर्सेज लाइव टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे और आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो ठीक है तो आप एनरोल कर सकते हो बच्चों प्लस में ये प्राइस पॉइंट्स हैं और ये सारे प्राइस पॉइंट्स आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अराउंड टेन परसेंट का मिनिमम टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलता है जब आप मेरा कोड यूज करोगे एच एस वन नाइन तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप ट्वेल्व मंथ्स का प्लान लेते हो आप सोचते हो कि हाँ मुझे प्लस पर पढ़ना है वन ईयर के लिए तो ट्वेल्व मंथ्स का प्लान कितना क्या है फिफ्टीन का ठीक है बट ये ट्वेल्व का है अब आप मेरा कोड अप्लाई कर दो तो हम मानते हैं हमें भाई टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है टेन परसेंट तो मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा तो अगर हम लगाते हैं इस पर टेन परसेंट डिस्काउंट तो कितना हो गया थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसको ट्वेल्व से डिवाइड कर दोगे तो वन वन टू फाइव तो आपको भी पता है बच्चों आजकल ऑफलाइन कोचिंग से कितना ज्यादा चीप है कि इलेवन हंड्रेड रुपीज में आपको एक प्रॉपर इंडिया के टॉप एजुकेटर से कोचिंग मिल रही है वो भी घर पर बैठ के कहीं पर भी बाहर नहीं जाना है ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया जितना नीचे वाला प्लान लोगे और बड़े मंथ वाला प्लान लोगे उसमें डिस्काउंट आपका और पर मंथ डिस्काउंट और कम हो जाएगा ठीक है अराउंड 800 हंड्रेड नाइन हंड्रेड रुपीज़ आपका पर मंथ हो जाएगा और अगर आप ये पूरा अमाउंट 13,500 एक साथ नहीं देना चाहते तो आप ई के थ्रू भी दे दे सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो ठीक है तो इफ़ यू वांट कि घर पे बैठ के एक प्रॉपर कोचिंग करनी है सारे सब्जेक्ट्स की टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एनरोल कर दो प्लस के लिए मैंने अपनी बैच का लिंक डाला हुआ है वहां से प्लस के लिए एनरोल कर सकते हो और मेरा कोड यूज़ कर लेना एच और आपको मिल जाएगा टेन ऑफ डिस्काउंट उंट और अगर आज की वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेलाइकन प्रेस कर दो जिससे कि जब भी इंग्लिश और फिजिक्स के लेक्चर्स आए तो आपको पता चल जाए और गाइज सबसे बेस्ट है अगर आपको मेरी सारी क्लासेस का स्कड्यूल चाहिए अकेडमी क्लासेज यूट्यूब क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो वहाँ पे हम अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डाउट्स हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो सारी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है थैंक यू गाइज हैव अ नाइस डे